हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं काइनमास्टर में आप पैन एंड जूम ऑप्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको एस्पेक्ट रेशियो चूज़ कर लेना जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद आपको कोई भी जो फ़ोटो है जिसमें आप पैन एंड जूम का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं उस फ़ोटो को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट किया। उसके बाद ओके करना है, आपका फ़ोटो जो लेयर बटन में आ चुका है। जैसे आप फोटो पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर दिख रहा होगा पैन एंड जूम का ऑप्शन। जैसे आप पैन एंड जूम का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको दो ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं, स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन। जैसे आप स्टार्ट पोजीशन पर क्लिक करते हैं तो आप जो पैन एंड जूम की स्टार्ट पोजीशन है वो क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिलहाल थोड़ी ज़्यादा रख लेता हूँ। उसके बाद एंड पोजीशन आप क्या रखना चाहते हैं, स्टार्ट पोजीशन हम नॉर्मली रहने देते हैं और एंड पोजीशन हम थोड़ी जूम कर देते हैं। तो अब जैसे हम ओके करके इसे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह का आपको स्टार्ट पैन एंड जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद और भी ऑप्शन है, आप यहाँ से इक्वल भी रख सकते हैं जो भी पोजीशन आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टार्ट पोजीशन पर क्लिक किया और आप यहाँ से जो भी इक्वल पोजीशन रखना चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इक्वल बटन पर क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए तो आपकी जो वीडियो में ये बैकग्राउंड है आपका इक्वल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे भी आप रखना चाहें कम या ज़्यादा आप यहां से कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और पास में अपने घंटी का आइकन को भी दबा दो जिससे आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।